हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी क्यूटी पाई रानी शर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका फेवरेट झटपट न्यूज। ओके, आप लोगों को पता ही अभी क्या मैटर चल रहा है। बहुत सारे आपने न्यूज देखे होंगे, जो न्यूज नहीं देखते हैं उनके लिए अलग बात है, जो देखते हैं उनको पता होगा कि अभी ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन ऐसा प्यार हो जा रहा है, मीन्स सिर्फ आवाज से लोगों को प्यार हो जा रहा है। जी हाँ, किसी को पबजी खेलते खेलते प्यार हो जा रहा है और वो अपना देश संसार घर बार सब छोड़ के अपने ऑनलाइन पबजी वाले बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है। तो आज ऐसे ही कपल्स को हम लोग देखने वाले हैं विथ मी एंड दैट न्यूज। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, से धर्मेंद्र धाकर के साथ। तो अभी जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे जी, कि आदमी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उछल के इधर से उधर पहुंच जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में हम रिपोर्टिंग करने गाँव में आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की है, बीमा है दर, 6 बच्चों के साथ बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंपू सचिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने यहाँ पे आ गई है। और जो भी हमारा मीडिया है, जो मेन चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए, जो सेंसिटिव मामला है उसको छोड़ के सारा रंडी रोना यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि इस मैटर को एक ही बार में बेंचो सॉर्ट आउट कर दे, तो बार बार इसको नहीं मुद्दा बनाए। ये देखिए यहाँ पे लोग है, सब साला चोर लग रहा है, मीडिया चला हुआ है, पड़ोसी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ, पड़ोसी हैं जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है आपको? अब कहाँ बताएं, ये सब देख देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। सचिन कहाँ है? सचिन में लप्पू सा तो है। सचिन मुंह में बोला उसके जात ना है, बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन। एक मिनट, ये कैसे बोल सकती है? मतलब ये पड़ोसी है, इसकी बीवी तो ना है जो बोल रही है कि उसका होता नहीं, नपुंसक सी है, इसे कैसे पता है भाई? जरूर ट्राई मारा होगा इसने बेचारा। कोई उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी। नाला पार दाल में कछु तो काला है। ये देखिए यहाँ पे हमें खबर मिली, दाल में कुछ काला, और साथ ही साथ है कि लंपू सचिन का खड़ा नहीं होता है। एक्सक्लूसिव न्यूज है धाका न्यूज पे। यहाँ देखिए इन लोग साला बाथरूम के बाहर ही लगा ले जी, इनसे पूछते हैं कोचिया जी बाथरूम के बाहर बाथरूम में अंदर गई है वो? कौन अंदर गया है? बीमा इधर जी। तो तुम लोग साला हवा भी नहीं दे रहा है, अंदर गई है तो बाथरूम में घुस जाओ भाई। रिपोर्टिंग ला, रिपोर्टिंग कर रहा हूं यहाँ पे। अरे साला, हे भगवान हे भगवान, हाथ धोने दो। चलो उधर हटो, बढ़िया से साबुन से हाथ धो। ये साला हाथ भी नहीं धोने दे रहा है साला। ये रिपोर्टिंग होता है क्रिमिनल के? चलो हम लोग यहाँ पे लाइव आपको दिखाएंगे कि जो सीमा है, बीमा जो है, उनका मैटर है क्या चल रहा है, उसका क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। तो लाइव आइए, हम आपको दिखाते हैं धाकर न्यूज पर, और एकदम एक्सक्लूसिव खबर है। पाकिस्तानी साड़ी लग रहा है जी। इतना टैलेंटेड इंसान है कि साड़ी से पता कर लेता पाकिस्तानी साड़ी लग रहा है जी। प्रसाद कह रहे हमारे से पहले ही इंटरव्यू लो बैठ गया है साला। हम आए ना धाकर न्यूज से, यहाँ पे देखिए आपको स्वागत है धाकर। देखो धाकर न्यूज इसका इसलिए क्योंकि ये एकदम धाकड़ है, इससे पहले कोई भी उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता, उसी को उठाकर फेंक देगा, पहले अपना धाकड़ दिखाता है। न्यूज में देखिए लाइव यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैठी हुई है बीमा हैदर और उनके साथ। अच्छा, ये पाकिस्तानी का कुछ ज्यादा ही ओवर मेकअप नहीं हो गया है? बच्चा भी है उनका, 6 बच्चों में से एक सचिन सचिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लंपू सचिन हो जी? हाँ हम ही। अच्छा, तो पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग एक पबजी गेम में मिले थे। अच्छा, पबजी में इंडिया में तो पबजी बैन हो गया ना जी, चालू हो गया है। हम साला डाउनलोड डाउनलोड। तो अच्छा ये बता, इंडिया में आई कैसे आप? सर मैं इंडिया आने के लिए वीज़ा लगा रही थी बट कैंसिल हो गया था, फिर मैं दुबई गई और दुबई में थाईलैंड में इनका वीज़ा रिवाइवल हो गया, फिर ये वहाँ आया, मैं इनके साथ नेपाल गई, नेपाल से सीधे यहाँ आई। अच्छा, मतलब दुबई से थाईलैंड, थाईलैंड से नेपाल, नेपाल से इंडिया। तो मतलब क्या आप मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं आप? नहीं, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, तो बताइए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है दल्लूपुरा गांव, वहाँ हमको 4 आदमी को ले जाने का पैसा नहीं है, और आप 6+1 7 आदमी का टिकट लेके 3-4 देश होते हुए आए। पाकिस्तान का हालत भी, इकोनॉमी का भी खास्ता है। बताओ ये 6 बच्चे कहाँ है? 6 बच्चे क्यों नहीं दिख रहे हैं यार? देखना है मुझे, जब इसकी माँ ऐसी है तो बच्चे कैसे होंगे? पैसा कहाँ से आया? मैं हमेशा पैसा सेविंग करके रखती थी। अच्छा, बचा के रखती थी पैसा आप? तो ये जो 6 बच्चे हैं आपके जी, तो 6 बच्चों में सबसे छोटा किसका क्या है उम्र? 2 साल है। सबसे छोटा 2 साल का है, ठीक है। तो अपने पति जो थे तो कुछ तो देते ही होंगे, पति को छोड़ के क्यों आ गई आप? सर वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, और इसमें कटार में 4 साल हो गया, आ घर नहीं आए।
कतर में थे, 4 साल से घर नहीं आए हैं, और छोटा बच्चा गाइस 2 साल का है, वेरी वेरी स्ट्रेंज, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो मतलब तुम साला जासूसी करने तो नहीं आई हो जी? हाँ नहीं सर, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, जासूस हूँ, यहाँ जासूसी करने नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ। यही तो डाउट था कि इनके प्यार में आई हो, शकल देखिए, मतलब झिंगुर सा व्यक्तित्व वाली औरत बोली इसके प्यार में आ गई, हम लोगों को बोला साला गली में नहीं आई, पाकिस्तान बकरी ना पटे, ये लड़की पटा लिया हम, मतलब यही डाउट है मेनली। तो बताइए कि पाकिस्तान में तो उर्दू बोला जाता है, लेकिन आपकी भाषा एकदम तड़ातड़ हिंदी बोल रही हैं आप। सर पबजी गेम खेलते खेलते और इनसे बात करते करते मेरी, मैं सब कुछ वहाँ का भूल गई हूँ, अब मैं यही रहूँगी इन्हीं के साथ, मतलब इनसे बात करते करते आदत हो गया। तो देखिए इंडिया में ऐसा है, इंडिया का कहीं भी कोई देश ले लीजिए तो ऐसा है कि बिना मतलब वीज़ा पासपोर्ट के कोई आता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है सर, बट मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे बाहर ना निकालें, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। बाप रे, मतलब आपको किसी ने सिखा उखा के नहीं भेजा है कि ऐसा इंडिया जाके बोलना है? सर मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? कोई ट्रेनिंग नहीं देगा? नो सर। तो ये मतलब प्यार ही है आपका? यस yes, मैं प्यार करती हूँ इनसे। ये देखिए कहना है कि इनसे प्यार करती है। और अच्छा एक और बात बताइए, जो 6 बच्चे हैं आपके, बाथरूम से आई, कितना बाथरूम जाती है जी? बार 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 निमोनिया है क्या? यहाँ पर कोई नहीं मिला था इंडिया में, नेपाल पाकिस्तान पहुँच गया तू नेपाल के रास्ते? सर हमको बहुत तकलीफ है। तो होगा नहीं सला, यहाँ एक औरत का पेट पालने में आदमी का फट जाता है, 6 बच्चा तो, वाली औरत इधर क्या क्या हो तुम, कौन हो? पड़ोसी है जी। उनके पड़ोसी हो? तो ये बताओ कि मतलब लेके आए हैं बगल वाली औरत, तो घर वाला कुछ कहता नहीं है? कहते हैं जी। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं पबजी बंद कर दिया है हमारा, खेलने ही नहीं देते, कहते तुम भी ले आओगे कोई। अच्छा मतलब इसलिए तुम भी कोई रीमा टीमा को मतलब इसलिए बैन हो गया पबजी? बिल्कुल, वेरी सैड। जो यंगस्टर हैं फोन ही ले लो इन लोगों का, बार बार कहना कि हम इधर भी यहाँ पे ले रहे हैं ना, साला समझ में नहीं करता। देखिए हमारे साथ बीमा जी वापस आ गई है, तो इनसे एक और सवाल है कि इंडिया में जैसे आपने कहा कि अब यहीं रहना चाहती हो, तो क्या क्या सीखा है इंडिया का आपने? सर हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हूँ, जैसे बात करना, प्रणाम करना, मैं प्रणाम करके दिखाती हूँ आपको। अरे मुझे कहा, अरे ठीक है रहने दीजिए, पैसा वैसा ना है। अच्छा, अरे चलो आशीर्वाद इनको दे दिया जा रहा है। नाम कोचो तुम्हारा? बिल्ला आजाद हैदर। बिल्ला आजाद हैदर, देखिए नाम है साला, धरो साला बिल्ला आजाद हैदर। ये तो छलावा हो गया यार, कहते ही एकदम छलावा हो गया ये इंस्टाग्राम वाला लड़का वाली लड़की निकल गई, और लड़की वाला लड़का जैसे इंस्टाग्राम पे जिसके दाढ़ी मूछ भी है, मतलब मैंने देखा है एक क्रिएटर को जिसके दाढ़ी मूछ फुल है, एकदम अच्छे से लेंस लगाता है, फुल मेकअप करता है, और मस्त लड़की वाली ऐसे ऐसे जितना लड़कियां ज्यादा नहीं करती ओवर, उतना वो लड़का ओवर करके एक्सप्रेशन देता है। ओ गॉड, औरत नहीं है आदमी है, अभी देखिए बाल उसका यहाँ पे पता नहीं चला 3 महीना था कि आदमी है कि औरत है। सर वो हमको बताने ही नहीं देता था, और हम तो आपको बोले ही थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बताने ही नहीं देता था। तकलीफ क्या है तुम्हारा, क्या है और मतलब 3 महीने से वही मार रहा था जी तुम्हारा? हाँ सर 3 महीने से यही तकलीफ लगे घूम रहे। बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा उसको, वो आदमी कहता है कि सचिन बोलता नहीं है, लार बोलेगा सचिन, देखिए मुंह देखिए इसका, 3 महीने से पता नहीं का अंदर ले रहा है, बोल ही निकलेगा इसका बेचारे का। तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ा मलहम उलम लगाना, ठीक हो जाएगा। तो देखिए यही मैटर था इनका, लोगों से समझ नहीं आता, हमने लाइव यहाँ पे सुलझा दिया है, जो औरत नहीं आदमी बन के आया था उसको भी बाथरूम से निकालो। आप लाइव देख रहे हैं ढाका न्यूज पर, तो यही हमने आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको लाइव दिखाई है। देखिए लोग, अरे साला रिपोर्टिंग ला कर रहा, निकालो इसको, निकालो अंदर से। बताओ तो तुम लोग जो भी पबजी खेलते हो ना, और पबजी में आवाज सुन के ही जो जिसे प्यार हो जाता है, पहली आवाज का पहला प्यार, तो कतई वो मत करना, ठीक है? जो इसके साथ हुआ ना, क्या पता तुम्हारे साथ भी हो जाए और तुम भी बहुत तकलीफ में हो जाओगे। सो ये सब मतलब जो भी है ना फालतू काम है वो छोड़ दो, ठीक है? और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपना ओपिनियन दो कि कैसा लगा। ओके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।